एक क्विज का टाइम हो गया है तो तैयार हो जाइए, कमेंट करना जरूरी है। इट फंक्शंस एज बोथ अ वर्ब एंड अ नाउन इन अ सेंटेंस। एनी प्रोडक्ट यू टेस्टेड इन द मार्केट एट सम पॉइंट। तो हो जाइए तैयार बनने के लिए ज्यादा समझदार की भी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का, जो कि है इन्फिनिटिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सारे एडुकेटर आपको इसके बारीकियों के बारे में, न्यूआंसेस के बारे में शायद नहीं बताते होंगे, जो कि हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस वीडियो में होने वाला है इंफोटेनमेंट, बीच में होगी शायरी और लास्ट में होगा क्विज। क्विज के बारे में एक चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज क्विज को अटेम्प्ट कीजिए, ताकि आपको भी पता चले कि आप कितना सीखे हो इस वीडियो से। वहां पे आपको कमेंट करना है, सिंपली ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलते हैं हमारे डेफिनेशन पे। क्या होता है इन्फिनिटिव? एन इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। एक क्रिया का बेस फॉर्म है, एक वर्ब का बेस फॉर्म है, ऑफन प्रिसीडेड बाय द वर्ड टू, यानी कि टू के साथ आता है, जैसे कि टू रन, टू स्टडी, टू डांस, ऐसे। इट फंक्शंस एज बोथ अ वर्ब एंड अ नाउन इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में ये वर्ब और नाउन, वर्ब एंड नाउन की तरह बिहेव करता है। कैसे करता है, जब हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नाउ इन्फिनिटिव्स कैन एक्ट एज द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव कर सकता है। कैसे कर रहा है, इन एग्जाम्पल्स में देखिए। टू रीड इज माई फेवरेट हॉबी। टू रीड, अब ये जो टू रीड है, जो व्हाइट कलर में आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा, ये है हमारा इन्फिनिटिव। यहाँ पर बेस फॉर्म है रीड और टू के साथ आया है, तो क्या हो गया, ये हो गया इन्फिनिटिव। और ये जो इन्फिनिटिव है यहाँ पे इस सेंटेंस में, टू रीड इज माई फेवरेट हॉबी, इस सेंटेंस में ये एक्ट कर रहा है किसकी तरह, नाउन की तरह। अब देखिए, शी लव्स टू डांस, यहाँ पर भी टू डांस है। ये जो टू डांस है वो एक्ट कर रहा है यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट की तरह, तो सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो किस फॉर्म में हो गया, नाउन के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू रीड है, ठीक है, सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और ये एक क्रिया भी है, तो इन्फिनिटिव्स वर्ब की तरह भी एक्ट करता है एंड नाउन की तरह भी एक्ट करता है ना। और इट कैन बी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इट कैन बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। जैसे कि यहाँ पे है, हिज गोल इज टू ट्रैवल द वर्ल्ड, इज टू ट्रैवल द वर्ल्ड, इज जो है यहाँ पे वो है हमारा लिंकिंग वर्ब, और इसका जो कॉम्प्लीमेंट है टू ट्रैवल, है ना, जो कि बता रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, टू ट्रैवल इस जगह पे ये एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, दिस लिंकिंग वर्ब इसकी तरह यूज हो रहा है। अब अगर आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में नहीं पता है, अगर आपको लिंकिंग वर्ब के बारे में नहीं पता है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हमने इस पे वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट लर्न इंग्लिश विद एआई में ऑलरेडी अपलोडेड है। तो प्लीज़ जाके चेक कीजिए लिंकिंग वर्ब क्या होता है और ये कैसे काम करता है, कॉम्प्लीमेंट वगैरह के बारे में अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, मोटा मोटी आपको समझ में आ गया कि इन्फिनिटिव्स क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस किस तरीके से ये यूज आ सकता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह और कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब की तरह। अब इसको समझने के बाद एक छोटी शायरी आपके लिए, है ना, ताकि मोटिवेशन हमारा बना रहे। मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ते क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। ठीक है, मतलब कि अगर आप में जुनून है ना आगे बढ़ने का, तो कितना भी लंबा रास्ता हो, कितना भी लंबा फासला हो, कितना भी डिस्टेंस हो, धीरे 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 कंसिस्टेंटली आप काम करके अपने गोल पर उसको अचीव कर सकते हैं। तो बने रहिए, लगे रहिए। अब देखते हैं इंफोटेनमेंट। नाउ लाइक एनी प्रोडक्ट यू टेस्टेड इन द मार्केट एट सम पॉइंट, वी टेस्टेड इट लास्ट ईयर एंड आस्क्ड पीपल, सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू जॉइन ब्रिक्स, एंड वी गॉट ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज हु आर विलिंग टू जॉइन ब्रिक्स। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं 30 कंट्रीज टू ज्वाइन अस, है ना, वॉन्ट टू ज्वाइन अस। अब यहाँ पे ये चीज़ क्या हुई, टू ज्वाइन, टू ज्वाइन यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया, है ना, यहाँ पे इन्फिनिटिव हो गया। अब यहाँ में वॉन्टेड टू ज्वाइन ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन में भी जब आप बोलते हो, चीज़ों को लिखते हो या फिर पढ़ते हो, तो वहाँ पर भी हमारा ये इन्फिनिटिव यूज़ आता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि ये बहुत जो प्रसिद्ध लोगों में से आते हैं इंडिया के, उन्होंने ये चीज़ बोली है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। नाउ हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, क्विज का टाइम हो गया है तो तैयार हो जाइए, कमेंट करना ज़रूरी है आपको यहाँ पे, क्योंकि आपको भी पता चलता है कि कितना अच्छा आपको समझ में आया है कॉन्सेप्ट और हमें भी आइडिया लग जाएगा। आई हैड स्टार्टेड फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन आई वॉज 20,
ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा जो है इन्फिनिटिव यूज होगा आपका। फॉर टीच, टू टीच, टीचिंग, वॉज टीच। हालांकि ऑप्शंस थोड़े अटपटे हैं, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा सही आंसर है इसमें से। जल्दी से हमारे कमेंट में डालिए कि कौन सा सही आंसर है, ए बी सी या डी। 2 सेकंड का टाइम है आपके पास, टिक टिक वन, टिक टिक टू, और सही आंसर है टू टीच। आई हैड स्टार्टेड टू टीच व्हेन आई वॉज 20। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट रिमेंबर फिल इन द ब्लैंक्स दिस लेटर। ठीक है, अब यहां पे यू मस्ट रिमेंबर डैश दिस लेटर, पोस्टिंग, टू पोस्ट, फॉर पोस्ट, इज पोस्ट। अब बताइए सही आंसर क्या हो सकता है। इन्फिनिटिव पढ़ा है आपका, है ना, तो आपके लिए काफी आसान हो गया। एक हिंट दे देता हूं, इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर आपको पता है, टू के साथ आता है, वर्ब का बेस फॉर्म है ना, रन, डांस, स्विम, ऐसे। जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा सही आंसर हो सकता है इसमें, कमेंट में डालिए। 2 सेकंड है आपके पास, टिक टिक वन, टिक टिक टू, और सही आंसर है टू पोस्ट। यू मस्ट रिमेंबर टू पोस्ट दिस लेटर, आपको ये याद रखना होगा कि आपको ये लेटर जाके पोस्ट करना है। ठीक है, तो ये था हमारा इन्फिनिटिव के बारे में कॉन्सेप्ट और क्विज जो हमने यहाँ पे आपके साथ किया। अब आपको करना क्या है कि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है, प्लीज़ हमसे पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। आपको अगर कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो हमें ईमेल कीजिए या फिर कमेंट कीजिए। और आगे और भी बहुत एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं जिससे आपका इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है, 100 घंटे से भी ज़्यादा का फ्री कंटेंट हम यहाँ अपलोड करेंगे, और हमारे एप्लीकेशन पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हो फॉर फ्री। स्किलियन लैब नाम है हमारे एप्लीकेशन का, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। नाउ हमारा वेबसाइट भी है www.skillianlab.com, जहाँ पे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपको बस साइन अप करना है और वहाँ से आपको फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।